पहले जनहित में एक डिस्क्लेमर। इस नाटक के कुछ किरदार आपको तंबाकू, बीड़ी, शराब, इलीगल चीजों का सेवन करते नजर आएंगे। प्रार्थना है कि आप ये सब अपने असली जीवन में ट्राई ना करें। इन सभी पदार्थों से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है और फिर अब से 20 साल बाद आपके माता पिता के हमें ही बोलेंगे कि ये क्या सिखा दिया। इसीलिए दिखावों पे ना जाइए, अपनी अकल लगाइए जनाब। साथ ही अपने मुंह में फोन को भी साइलेंट पे डाल दीजिए। धन्यवाद। का नाम है आपके तोते का।
ताजमहल भी बिल्कुल बकवास स्कैम जैसा हो गया है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पर ये इन सब बातों की खबर कैसे हो जाती है? कहता है कि एक एक बात की खबर है, बताना होता है हुजूर। क्यों? अरे कानून जो बन जाता है सब खुल जाता है हुजूर। पर ऐसा कानून किसने बनाया? आपके बाप ने। उसे यही उम्मीद थी, हर काम उल्टा करके थे। हम तो कहता था ऐसा कानून ना बनाए, पर मेरी को इसने तब ना, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ओहो, वैसे भी ना आधे से ज्यादा लोग तो उस दाराशिकों से मिले हुए हैं। यहाँ पे फाइल पे कुछ लिखा, वहाँ मोबाइल पे आ गया। आजकल तो फाइल की फोटो भी खींची जा सकती है। वो क्या कहते हैं वो व्हाट्सएप पे, मोबाइल भी एक मुसीबत बन गया है। अरे मेरे विचार से क्या हुआ? अरे ये सभी को भेजा था ना विचार बाउचर लाने, पर गुप्ता जी तो ढीले ढक्कन है, पता नहीं कहाँ रह गए, आते ही होंगे। हम तो भेजा होता तो देखते है, अब तक तो कड़ा भी देते है। पेटीएम सर, पेटीएम सर तब ना क्या तो कुछ भी कह रहा, बिल्ली क्या है बिल्ली में जाना है, बिल्ली नहीं घास होती है बुढ़पा। एक ही बात है, भैंस के आगे सितार बजाना। अच्छा अच्छा, गुप्ता जी को तलब करो। अरे देखो देखो फिर आ गया। और गौर फरमाइए साहिबान, इनकी सरकार अपने आप को सेक्युलर कहती है, पूरे टाइम राग लगाती रहती है सेक्युलरिज्म का, पर ये औरंगजेब कम्युनल है, आंखों में धूल झोंक रहा है आपकी, जनता को गुमराह कर रहा है। मैं और कम्युनल? राम 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 राम। सेक्युलरिज्म की बातें कर रहा है, कल डेमोक्रेसी की बातें करेगा। वैसे सेक्युलरिज्म होता क्या है? मतलब होता तो वो कुछ भी नहीं है हुजूर, पर आजकल पॉलिटिक्स में बहुत चल रहा है, जो भी आपका विरोध करे उसे कम्युनल कह दीजिए। आजकल की सिविलाइज्ड गाली है ये। आजकल तो मुंह खोलने से भी डर लगता है, पता नहीं क्या निकल जाए, और ये लोग कहने की कम्युनल। सेक्युलरिज्म वालों ने तो नाक में दम करके रखा, जमकर कोड़े बरसाए जाने चाहिए उन चक्कों पर। भाइयों और बहनों, मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है, ताजमहल बनवाना सरकारी पद का दुरुपयोग है और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम है। देखते हैं कैसे बनता है इनका ताजमहल। मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई के दफ्तर और जंतर मंतर, केस करूंगा, आंदोलन करूंगा, पर इस औरंगजेब को हुकूमत करने नहीं दूंगा। यहां सिर्फ डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इनकी तानाशाही अब और नहीं चल सकती। डिक्टेटर से मुर्दाबाद, डिक्टेटर से मुर्दाबाद। बहुत हो गया, मार करो इसे। हे मिस्टर, बहुत हो गया, निकल जाओ यहां से। हां बेटा, कट ले यहां से। बेटा बिहार, तू किससे बात कर रहा है? तू होता कौन है? मैं स्टड। रुको, तू स्टड हो और हम थे। क्या लिख रहे हैं ये अखबार वाले आजकल? यही कि
ताजमहल बनाने में बड़ा घोटाला चल रहा है। अरे ये बात तो ये लोग 20 साल से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। हुजूर देखिए ये क्या लिखा है, लिखा है कि ताजमहल बनाने के काम में अफसर ने ठेकेदार ने मिलकर खूब धांधली की है। तो इसमें न्यूज क्या है, आई मीन ये बात क्या है? मैं बता, लिखा है कि लोगों ने मिलकर बहुत पैसे बनाए। अरे तो इसमें करप्शन का सवाल कहां से उठ गया? पैसे तो हमारी कक्षा भी बनाती है, लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं कि हमारी कक्षा भ्रष्ट है। अरे इन लोगों को तो कोयले में भी काला नजर आता है। कुछ भी छाप देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है इन पर। ना हुजूर, प्रेस तो इंडिपेंडेंट है। अरे इंडिपेंडेंट माय फुट। कुछ तो करना होगा, लगाम लगानी होगी। जी हुजूर, लगान लगा दीजिए, दोगुना लगान। आमिर खान की औलाद। बड़े खोए हुए रहते हैं यहाँ गुप्ता जी आजकल, आप ज्यादा ही ना खोए रहिए।
वरना ताजमहल का हम कौन देखेगा। अब क्या करें हुजूर, कभी कभी कुछ फ्लैशबैक्स नजर आता है तो कभी कुछ रिमिक्स हो जाता है। हम तुमको कहे थे ज्यादा टीवी ना देखा करो, ये बात सुनोगे? अच्छा गुप्ता जी, ताजमहल का काम कब तक पूरा हो पाएगा? जी मैं आपको बता रहा था। रुको मैडम, मैं बारे ये भी आना था। नहीं है, जो चाहे करेंगे। अरे दुष्ट है वो, मेरे पीछे पड़े रहते हैं।
क्राइम इंस्पेक्टर से ये भी कह रहा था कि जरूरत पड़ने पर वो आपके खिलाफ भी केस कर देगा और तो और तलब करने के लिए भी संकोच नहीं करेगा। ये मजार सीबीआई स्वतंत्र है, प्रेस स्वतंत्र है, जुडिशरी स्वतंत्र है, बस मैं स्वतंत्र नहीं। अरे ऐसे कैसे मुल्क चलेगा, ऐसे कैसे मुल्क चलेगा? तो करना होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह लगा दूंगा मैं, माशाल्लाह लगा दूंगा। अरे ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है जो जब चाह माशाल्लाह लगा दिया। संविधान नाम की भी कोई चीज होती है मेरे भाई, माशाल्लाह मैं खुद। आपकी कमजोरी है मुखर्जी ना, आपने ऐसा संविधान बनाया है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है हुजूर, संविधान तो आपके बाप का आदेश था। तो आपको भी भेज देते हैं ना उनके पास, भेज जाओ उन्हें और शूट कर दो। अरे नहीं, अरे ये चले गए तो अदालत कौन जाएंगे आप? रुको, ये बाद में शूट करना, पहले इस मामले से निपट लिया जाए। वैसे सीबीआई में शिकायत किसने की? आपके छोटे बेटे जफर ने। जफर? मेरा बेटा? ऐसा किया उसने? अरे बजरी, आपने अपने बड़े बेटे आलम को तो बना दिया एमडी, तो छोटे बेटे तो चलेंगे ही ना, फ्रस्ट्रेट हो गए थे इसलिए कर दी काम जाए, पर हमारा काम भी रुक गया। सुना है जफर जी जो है दारा शिकों से मिल गए हैं। जफर घर का भेदी लंका ठाए, बुलाओ उसे अभी, उसे हिमाकत के लिए 20 करोड़ लगवाता हूँ। कहाँ है वो नारायण, बुलाओ उसे। सफर 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 यहाँ ना बकूल। सरकारी काम में दखल देना बंद कर। हम पर ही झल्लाए रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुपचाप झांक आते हैं और यहाँ
वहाँ आगे घरसते फिरते हैं। एक बार ताजमहल का काम पूरा हो जाए फिर तुम सबको देखूंगा। हर वक्त ताजमहल ताजमहल की रट लगाए रहते हो बिल्कुल अपने बाप की तरह। अरे मैं तो कहती हूँ सारी परेशानियों की जड़ ही यही है, खानदानी बीमारी हो गई है। अरे चुप हो जा, चोच बंद कर, बक बक बंद कर। का किस्सा शुरू हुआ तब से तो हद ही हो गई।
हर रोज सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जाइए और इनके शाही पॉइंट्स का मुआयना करें. और मेरी बीवी मुझे डाइवर्स देने वाली थी, धमकी दे रही थी कि ये रोज सवेरे उठते क्या देखते लपकते हुए. वो अपने आप को क्या बोलता है, हाँ, है ऐसा कह रहा है ना. देखिए, अब
बेकार की बकर बकर ना कीजिए, जितना पूछा जा रहा है उतने का ही जवाब दीजिए। और सुनिए, उस नाई को बोल दीजिएगा मेरे घर आ जाए संडे ठीक सुबह 9 बजे, और उसे भी ताकीद कर दीजिएगा कि मेरे से आप आपकी तरह बात बात पर जिरह ना करे, खास तौर से पैसों के मामलों पर। जी हुजूर, आई मीन माय लॉर्ड। यस, दिस इज बेटर। और औरंगजेब को बता दीजिएगा कि अपने पैजामे में ही रहे, अगर संविधान से जरा सा भी पंगा कर लेने की हिमाकत करी तो परिणाम बहुत महंगा पड़ सकता है। समझ गए आप? जी हुजूर। नाउ यू कैन गो, यू डिसमिस्ड। अरे ये जज की बच्ची ने ऐसा कहा? बाबा साहब का 200 साल पुराना मुकदमा भी लटकाया हुआ है, वो भी जानबूझकर। अरे कोई जवाब दे ही नहीं है इनकी, कुछ तो करना होगा, संविधान ही बदलना होगा। आपने ही बनाया था ना संविधान मुखर्जी का? जी हुजूर। आप बस चीर-चीर करते रहे अदालत में तोते की तरह, कुछ बोले क्यों नहीं? जी वो मैं वो। अरे क्या मैं मेमने की तरह कर रहे हैं? कहीं आप बकरी का दूध तो नहीं पीते? वो कुछ नहीं संडे। आप बस भीगी बिल्ली बने चुपचाप सुनते रहे। अरे हुजूर, मैंने कभी भीगी हुई बिल्ली नहीं देखी। तो आईना देख लीजिए ना, नजर आ जाएगी। अरे बेकार ही भेजा इनको यार। मुझे भेजा होता तो देखते हैं, मेरे काबिलियत पे शक करते हैं आप। और कुछ कहा उन्होंने? जी वो कुछ नहीं संडे, कुछ नहीं। अरे आपको क्या हो गया है? आपकी खिड़की क्यों बंद गई थी? आपको कुछ बोलना चाहिए था ना? अरे वो मुझे कुछ कहने का दे रहे थे, मैं कुछ पूछूं तो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। वो क्या कह रहे थे? हाँ, कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, संविधान किस रंग का होता है। अब मुझे क्या पता संविधान किस रंग का होता है? क्यों नहीं पता? आपने ही तो संविधान लिखा था ना। वैसे किसके कहने पे लिखा था? आपके बाप के कहने। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। अब चाटिए मुखर्जी का, संविधान को पकड़कर चाटिए। यही होता है ज्यादा पढ़े लिखे होने का नुकसान। हमारे बाबा साहब अकबर को देखिए, काला अक्षर है बराबर, तो होते जज का सर कलम करके लाल किले पर टांग देते। तबीयत तो हमारी भी कुछ ऐसी ही हो रही है, पर क्या करें, मजबूर है आपके संविधान की वजह से। हुजूर ऐसे जोर से ना बोलो, कहीं किसी जज के कानों की बात पड़ गई है। नहीं वही तो नाय, कुछ नाय। नाय? अरे आप क्या, अच्छा वो क्या था? हाँ, क्या कर लेंगे मेरा वो, क्या कर लेंगे? अरे हुजूर, समन कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, आपके खिलाफ फैसला भी कर सकते हैं, आपकी सिटीजनशिप छीन सकते हैं, और अगर नागरिकता चली गई ना तो तब भी नहीं रहेगा जनाब। जी हुजूर। आप बस जीजूर करते रहिए। जी हुजूर। फिर शराब? अरे क्या हो गया आपको? अरे कभी आप मुझे तोता बोल देते हो, कभी मेमना, तो कभी कुछ और। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस आपको? अरे मुखर्जी दा, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, यही आपकी आइडेंटिटी। अरे दरबार में कभी आप दबा देते हो, कोर्ट में वो जज और घर में वो बीबी। मैं करूं तो क्या करूं, मेरी किस्मत में ही दबला लिखा है। ताजमहल का काम भी रोक दिया गया। हाँ। मैं कह रहा था ना, ताजमहल का काम चला दीजिए, पर आपको तो ओके। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है हुजूर। बस शुरू हो गया, ये सब ताराशिको की वजह से हुआ। ताराशिको? अरे हुजूर, मैं तो वही कह रहा था कि एक मैं म्यान में क्या कहते हैं वो, हाँ, तो चाकू नहीं रह सकते। कुछ करना होगा इस ताराशिको का, उस पर नजर रखी जाए, वो कहा जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, एक एक बात की खबर चाहिए। अब जाइए, पता लगाइए। मेरा तो सिर भी घूम रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अरे संडास इस तरफ है, उस तरफ है। आप दोनों ने सुना ना बादशाह ने क्या कहा? आप दोनों चाहिए पता करिए,
कि दारा कहाँ होगा, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि वो क्या कर रहा है। और हाँ, जरा डिटेल में बताइएगा, समझ गए? कड़ी नजर रखनी है उस पे। बाग जैसी नजर है मेरी। बाग नहीं, बाग जैसी नजर होती है। जी नहीं, बाग। पर आप ऐसे मुझे बीच में डर का ना करिए, समझे? आप कोई वाटर का एक कंप्यूटर सकते हैं। चलिए, मैं आगे आगे चलिए। जब मुझे पता है कि जाना कहाँ है, तो मैं आपके आगे आगे कैसे जाऊँ? तो पीछे पीछे चलिए, चलिए तो। पर जाना कहाँ है? घास के तीन पग, दारू के अड्डे में, और कहाँ? चलो। और दारू पीने नहीं, देखने। चलिए। ठीक है, ठीक है, चलो। चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था। चाह तो बर्बाद करेगी भैया, ये चलो। अरे इनके लिए भी दही लाओ, इनके लिए भी दारू लाओ। अरे चाचा जान, अच्छा हुआ पिया मिल गए। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तुमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना? सुना 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 सब सुना। चाना राही खत्म, डिक्टेटरशिप खत्म। तूने अच्छा किया समर बेटा, जो मुझसे आगे मिल लिया। अब हम तेरे बाप को औरंगजेब को देख लेंगे, हंगामा बजा देंगे। हंगामा हंगामा क्यों बर्पा? थोड़ी सी जो पी ली है। अरे दारू डाल सर, एक बोला भाई। अरे थोड़ी नहीं, बहुत पी ली है। चाचा जी को बोलो नकद निकाले तो अगला पैक मिलेगा, नहीं तो रास्ता ना पे। अरे डॉक्टर, हाउ आर यू? आप पिया कैसे? अरे वो भी दवाई है। Snake coming, this is fox. बाल में पाए गए हैं और साथ में जफर भी है। जरूर दारू में कुछ काला होगा। अच्छा, और डिटेल में बताओ। वो दारू पी रहा है। और डिटेल में बताओ। पैसे चाहिए तुझे? मुझसे पैसे चाहिए साले? ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड, ले ले सारे पैसे निकाल ले। आज मैं जश्न मना रहा हूँ, तू भी जश्न मना बंदा। हंगामा क्यों बरसा? ना 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 ना। अरे बर्बा, हंगामा इसलिए है कि आपका जो ये क्रेडिट कार्ड है वो बंद हो गया है। क्या निकालिए जरा क्रेडिट कार्ड। बहुत बंद। अरे साले कॉपी में लिख ले, लिख ले। ये परचून की दुकान थोड़ी है, मैं कॉपी में हिसाब करता फिरूं। अब मेरी माँ ये खर्च चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब आप शराफत से घर जाइए। शहजादे साहब, शहजादा बोला, गाली दिया साले, नामकूल, लड़ी फूल, लड़ी फूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, डैडी कूल, तू दादा। देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हेलो, ए हेलो, ये फोन बंद करके और फुट लीजिए यहाँ से। ये क्या सही कहा है सारे? तू जान जा रहे हैं मुझे अभी। और बस हो गया। ओके, आई प्लीज और आगे ना बढ़ो। और बढ़ गया तो सारे, अरे मेरा नाम डूब जाएगा। मैं दारा हूँ, दारा सिंह, दारू सिंह।
जो भी हो सारे अच्छे अच्छों को फ्री कर चुका हूँ, माइक टाइसन को भी पी चुका हूँ, काट रहा होगा तुझे सारे, तो जानता है ये मुझे अभी। देखिए ज्यादातर रैश में ना आए, मैं फिर से कह रहा हूँ आप बहुत बड़ी भूल कर रहे। चलिए चाचा चलते हैं। आप नहीं ये बोलता है दारू नहीं देना, तू दारू शिको को दारा नहीं देगा, दारू शिको को दारू शिको नहीं देगा। अरे मुझे पावर में आने दे, ताजमहल को दारू का आधा बना दूंगा। मुक्ता इनसे पूछो उन्होंने कोर्ट का आदेश सुना है कि नहीं।
साहब, आपने कोर्ट का आदेश सुना है क्या? कोर्ट का आदेश? जी जनाब, आज की ब्रेकिंग न्यूज, अब आप बादशाह नहीं रहे। हाँ? ये क्या हिमाचल है, न्यूज नहीं देखी इन्होंने? नुक्ता, पर पूछ रही इनसे। पूछ रही हूँ। हाँ, आपने कल न्यूज नहीं देखी साहब? कल शाम मेरी तबीयत कुछ खराब थी इसलिए न्यूज नहीं देख पाए। वैसे क्या हुआ उसमें? ये मुकुट क्यों पहने हुए है? ये क्या हो रहा है लवली? और आगे क्या करेंगे? पूछ रही। अब आगे क्या करेंगे आप? हम चुनाव लड़ेंगे। क्या कहा? हम इस अब एक बाइक चाहिए। अरे कौन सी बाइक, कैसी बाइक? ये जो ताजमहल घोटाला चल रहा है ना? अरे कोई घोटाला नहीं है, आप लोग तो बस विदूर में ही। ताजमहल घोटाले में गुप्ता जी को सीबीआई ने धर लिया है, तमाम फाइलें भी दर्ज कर ली है। ये हो क्या रहा है, ये तो बताना होगा आपको। क्यों? और आप लोगों को ही क्यों? आप होती कौन है पूछने वाली? हम पत्रकार हैं मिस्टर जे। तो? पत्रकार हो या वकील, बेकार में यहाँ वक्त जाया ना करिए, जाइए यहाँ से। क्या हो रहा है लवली? लाइट चल रही है टीवी पर। देश की जनता जानना चाहती है। अदब से पेश आइए मिस्टर जे, मीडिया से पंगे ना लीजिए। रुकता, इनसे पूछो, ये सीधे बाहर जाएंगे कि देश की रहते बाहर निकाले? पंकज, इंटरव्यू में ले रही हूँ क्या तुम? जब राजा अपने वसीयत में देश की बागडोर अपने बेटे को देकर जाएगा,
नो इलेक्शन नो इलेक्शन। आप चिंता ना करें हुजूर, इस देश के लोकतंत्र में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इलेक्शन अपने जगह होते रहेंगे पर राजगद्दी पुस्त दर पुस्त आप ही के हाथ लगेगी। आमीन। पर आपका यह कोर्ट या तो हमें बादशाह मानने को तैयार ही नहीं। अरे कोर्ट का तो यही आदेश है हुजूर। खजीदा, आप कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करें और जाइए जाइए जाकर जजों को जरा समझाइए। नहीं 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 नहीं, मैं उस कोर्ट में अब और नहीं जाऊंगा। आर पार छी मैं वैसे ही अब वहां पे मेरी बहुत फजीहत करा चुका हूं। मैं अपनी और तोहीन नहीं कराना चाहता। अरे मुखर्जी दा तोहीन आपकी हुई या हमारी? चुप क्यों है, बोलिए। मुखर्जी दा आप वकील है, वकील का तो काम ही होता है अपने वकील के लिए झाड़ खाना, झूठ बोलना, तोहीन सहना। आपको कोई और प्रॉब्लम है क्या? अरे वो वैसे ही गुस्सा हो रहे होंगे, वो नाई जो नहीं पहुंचा वापस अंडे को। नाई? फिर नाई? अरे नाई का क्या चक्कर है? वही तो, कुछ नाई, कुछ नाई। कुछ नाई का मैं छुपाया, देखिए ना। हेडलाइन है दारुशिको। दाराशिको। दाराशिको नशे में धुत, नाले में रात बिताई। सफर नशे में धुत, रात खाने में बिताई। अरे ये टीवी रिपोर्टर लोग हर जगह पहुंच कैसे जाते हैं? अरे सफर नालायक है कहाँ? बुलाओ उसे। बुलाओ बुलाओ। हाँ हाँ। मम्मी। आइए शाहजादे आइए। अभी भी नींद में है? जग चुका है डैड। हाँ सुबह बहुत जल्दी उठ गए, घंटे भर से जगे होंगे। सुबह की मोह तेरे 11 बजे उठ गए, अलार्म भी जगा दिया होगा। नहीं बस थोड़ा हैंगओवर है। आपने बुलाया था क्या? आज का अखबार पढ़ा आपने? पढ़िए पढ़िए। हाँ मैंने भी देखा, इतनी सी बात को इतना बदंगड़ बना दिया है। इन पत्रकारों को पक्का इलाज करना ही होगा। कुछ भी आना ऑप्शन आप छाप देते हैं दुष्ट, सबक सिखाना पड़ेगा इनको। जाइए जाइए यहां से। इधर कोतवाल चोर को डाके, जब तुम्हारी उतर जाए तब बात करते हैं। कोतवाल चोर अखबार वाले सब कुछ छाप देते हैं, आखिर क्या मजा आता ही नहीं। अरे हुजूर लोग पढ़ते हैं इसलिए लोग लिखते हैं। अरे ये लोग पढ़े लिखे होते क्यों? मैं तो कहता हूँ लोग पढ़ते लिखते क्यों? यही होता है ना पढ़े लिखे होने का मतलब, कि बेबात बात का बवाल खड़ा किया जाए। वैसे किसने बनवाए थे इतने स्कूल? आपके बात में स्कूल। ओह माय गॉड, मुझे उनसे यही उम्मीद थी। खैर गुप्ता जी को बुलाइए, उनसे पूछते हैं आगे क्या किया जाए। बुलाइए उन्हें। मुझसे क्यों पूछेंगे, इनकी कोई स्टेटस नहीं रहा। नहीं है ए बोकर। और क्या चल रहा है आजकल? काम चल रहा है दिन रात। क्यों? पूरा स्टाफ जुटा है क्यों? यही समझ ले हुजूर, चल रहा है जैसे सरकार चाहे। अरे अब काहे की सरकार गुप्ता जी, चले गए वो दिन। क्यों क्या हुआ बादशाह सलामत? अरे काहे के बादशाह, कहाँ के बादशाह, चली गई बादशाह। आप लोगों ने तो सब खत्म कर लिया, डेमोक्रेसी जो लेके आ गए। अब हमें भी हुकूमत के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। अरे बताइए सोचा था हमने ऐसा? पर ऐसा क्या हो गया हुजूर? गुप्ता जी आप लोगों ने तो ऐसा ताजमहल बनाया कि मेरे अब्बू जान जो गए सो गए, मेरी भी लुटिया डूब गई। ऐसा क्या हुआ हुजूर? अरे क्या हुआ, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ, आप वहीं के वहीं रहे। सड़क पर तो अब हमें आना होगा। सड़क पर क्यों हुजूर? अरे गुप्ता जी चुनाव लड़ने के लिए तो अब सड़क पर आना होगा ना। चुनाव पर आप तो बादशाह। चले पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं गुप्ता जी? आपको तो सब मालूम है ना। खैर अब राजनीति में कूदने का फैसला कर लिया है, डरेंगे नहीं। बड़ी बड़ी जंग लड़ने से नहीं डरे, एक चुनाव लड़ने से क्या डरेंगे? हुजूर
जब सर कढ़ाई में घुसा ही चुके हैं तो तड़के से क्या डरना। आप चुनाव क्या करें, सारे राजा महाराज यही कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। अरे पर हुजूर और राजनीति। हाँ ऐसे ही नहीं बैठ पाया था इस राजगद्दी पर। सारे दावपेच तो मैं माँ की पेट से सीख कर आया हूँ। अभी मंडी हूँ आज का, मेरे बारे में तो बचपन से कहते थे कि भूत के पंजे तो पाले में ही दिखाई देते। सुना है कि चुनाव के लिए कोई पर्चा भरना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। जाना होगा हमें एक तक पूज्य से मजिस्ट्रेट के पास जाना है। अरे आहिस्ता बोलिए हुजूर, आजकल ये पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन बहुत कर रहे हैं, कहीं कोई स्टिंग ऑपरेशन ना हो जाए। ऑपरेशन? अरे भाई ना, तौबा तौबा तौबा, भाई इसके ऑपरेशंस की बात से बहुत ऑपरेशंस के नाम से रूह कांप जाती है। जी चुनाव के लिए काफी पैसा चाहिए रहता है। चुनाव में तो बहुत पैसा आता है हुजूर, बस अधिकारियों को इशारा कर दीजिए। आप अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं सजी, ठीक है तो आप ही संभालिए इस झंझट। अरे हुजूर आप निश्चिंत रहिए, हम चलते हैं बहन जी के पास। अरे बहन जी, ऐसे कामों के लिए बहन जी बहुत अच्छी हैं। बाहर जाकर किसी और का दिमाग चाटे। तब आपने स्नेहल
बचाव लड़ने के लिए कौनो टिकस चाहिए होता है, वो कहाँ मिलता है टिकस? अदरक कितना था? अरे बहन जी, आपके बस की बात नहीं है। अरे आप तेरी शरीफ औरत, शरीफ औरत कहा रहे बहन जी? जानते हैं जानते हैं कितने केस चल रहे हैं आपके खिलाफ? अरे चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे आप। अरे भाई, कानून है क्या है कि अगर किसी के खिलाफ अपराध का केस चल रहा हो तो चुनाव में नहीं लड़ सकता? ठीक है, सब कानून बना के रख दिया भाई, ये कौन डेमोक्रेसी हुआ? अब बताइए कि देश के चोर डकवन लोग का भीख मांगेंगे? तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। साला ये तो कहानी में नया ही ट्विस्ट आ गया है। ये सब छोड़िए, आप इंटर कैसे है? कौन नया टेंडर निकला? क्या टेंडर निकलेगा? हम तो आए थे बादशाह की मदद के लिए, आप खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। बहन जी, ये खबर हम बादशाह को देने जा रहे हैं, पर सोच लीजिएगा कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। राम राम। राम राम तो क्या बाबू, ये बताओ कि वोट कैसे मांगा जाता है? तो वोट कैसे मांगा जाता है? अरे हर किसी से मुस्कुरा के बत्ती निकाल के हे 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 करते हुए, ऐसे को भी बंधु बंधु श्रीमान श्रीमान बोलते हुए, दोनों हाथ जोड़कर, और क्या, वोट कैसे मांगा जाता है? भाषण दोगी तो जूते पड़ेगा जूते। काट दिया ऐसे सवाल करेंगे तो काटेगा ही। तुमको डर होता है?
ओहो गुप्ता जी, क्या पूछ लिया आपने? बेच दिया, नीलाम करना पड़ा। आपको पता नहीं ना कि खजाने की हालत कितनी खस्ता है। दुकान वाले बिल्स मांग रहे हैं, मैं इसमें -24,000 अकाउंट है। और कोई लोन देने को भी तैयार नहीं है। और देखिए बच्चों को पीने पीने पे उतर आए हैं। अरे कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, वैसे भी फाइल सोने के बाद ताऊ पर बैठने में बहुत ही दिक्कत होती थी, आंखों की सेज लगती थी। आपको तो कभी पास नहीं हुआ गुप्ता जी? अरे नहीं नहीं, ऐसा सौभाग्य हमें नहीं हुआ। खुदा ना करे आपको कभी हो भी, लेकिन इन पत्रकारों को जरूर होनी चाहिए, तभी इनको पता चलेगा कि दूसरों को मिर्ची उंगली करने में हाँ कैसा लगता है। और इस जज को तो जरूर होनी चाहिए मुखर्जी का, इसने हमारा तख्त छीना, अभी उसको ये सब पता चलेगा। ऐसे क्या खबर है गुप्ता जी? अरे हुजूर गए थे बहन जी के पास, वो खुद ही चुनाव लड़ने वाली है। अरे बापू बहन जी, अरे ये बहन जी कौन है? ओहो एक बिजनेस वुमन है। बिजनेस वुमन? अरे बिजनेस वुमन तो सभी होती है, किस चीज का धंधा है इनका? जीसस क्राइस्ट, क्या वक्त आ गया, ये लोग भी हमारा मुकाबला करेंगे। अरे वही बहन जी है ना, उन्होंने ताजमहल का काम लिया था, हमें याद है पैसे बनाए इन्होंने ताजमहल के नाम पर। अबू जान के सामने आने की तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी, गुप्ता जी के पीछे खड़े भीगी बिल्ली बनी मिनियाती रहती थी। अब इनकी ये औकात हो गई है कि हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगी, कल कोई चाय वाला खड़ा हो जाएगा हमारा मुकाबला करने। चाय वाला दूसरे तो बस वही बात होगी कि मेंडी को फीवर, क्या कहते हैं, निमोनिया हो गया। वो क्या जाने शासन और प्रशासन। एक बात कहूं हुजूर? हां कहिए। आप कुछ दिन के लिए देश को अकेला छोड़ दो। आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी सबने इस देश की बहुत सेवा की है। अरे कुछ दिन तो रहमत करिए देश पर। और हम कर भी क्या सकते हैं, मतलब देश की सेवा के अलावा? पर आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं गुप्ता जी? ये मेरे अंतरात्मा की आवाज है हुजूर। अंतरात्मा की आवाज? अरे गुप्ता जी आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपको अंतरात्मा से क्या लेना देना? हम भी तो इंसान है। नहीं 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 गुप्ता जी, आप सरकारी नौकर, आपको अंतरात्मा से कोई भी लेना देना नहीं है। आप निर्लिप्त निर्विकार निराकार निर्गुण पर ब्रह्म की तरह है। नहीं कर सकते समझे। अरे बाकी लोग कम थे जो चुनाव आयोग के हमारे पीछे पड़ गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है,
वो जो मोबाइल टावर थे ना वो भी चले गए। अरे कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आती है क्या? आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म ही होती है। हमें इसी बात का ही तो डर है। अरे हुजूर मैसेज आया है, वो तारा शिको है ना वो ट्रक के नीचे कुचल कर मर गया। क्या बात है, उनको कहते थे ज्यादा दारू ना पिया। रेली लगता है मेरे बुरे दिन खत्म हो रहे हैं। उसकी आत्मा को तो शांति मिली गई, मेरी भी आत्मा को भगवान शांति दे। अब बस मुकाबला बहन जी से रह गया है, तो उनसे कैसे निपटा जाए गुप्ता जी? अरे हुजूर बहन जी के पीछे तमाम इंस्पेक्टर लगा दिए, कानून का अनुपालन होना चाहिए, उनके टैक्स चेक होंगे, शर्मा जी प्रदूषण चेक करेंगे। अरे बहन जी समझदार औरत है, वो भी चुनाव से हट जाएंगे। हम चलते हैं बहन जी को ही बता देंगे। सीधा मुकाबला है औरंगजेब से, हमारे एक्टर मुक्ता इनसे बात कर रही है। मुक्ता इनसे पूछो कि चुनाव क्यों लड़ रही है। बहन जी आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं? हमारी लड़ाई नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की है जी। हम दरअसल तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही हैं। मुक्ता इनसे पूछो कि चुनाव जीतने के बाद करप्शन के खिलाफ क्या करेंगी। बहन जी आप चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार कैसे दूर करेंगी? हम तो इनसे पूछो ताजमहल घोटाले एग्जैक्टली क्या है। घोटाले के बारे में आपको क्या कहना है? पूछो ये तख्ते ताऊस कहाँ पे है? देखिए दर्शकों इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है कुछ और बात करते हैं। मुक्ता इनसे पूछो ये मैच के बारे में क्या विचार है? ये मैच के बारे में आपका क्या विचार है? ये अरे कौन गे, कब गे, कहां गे, कैसे गे? ये माने होमोसेक्सुअलिटी, इसके बारे में क्या विचार है मुक्ता? एक बार पूछो इनसे। क्या बोल रहे हैं, ये भी कुछ चुनावी मुद्दा है क्या? पूछो तो सही। अरे यू मैन लड़की सभी का बोलती है वो आर यू मैन? अरे सुनो ऐसे मत बोलो मुझसे, जो मैं कह रहा हूं वही पूछो। नहीं नहीं पूछती ऐसे बेवकूफी वाले सवाल। अंकल मैं बुद्धू तुम ऐसी बात है तो तभी पूछ लो, मैं जा रही हूं यहां से। फिर तुम तो बस कुकरी कंपटीशन के लिए फिट हो, आने वाला टॉप चैंपियन के लिए तुम्हें ही बुलाया जाएगा। क्यों तुम्हें उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है क्या? तो देखो तुम ऐसे करना, पक्का लपट्टा पहन कर आना और पटपड़ों की तुम हिलाना जैसे तुम उस बियर चीफ के सामने हिलाते हो। मैं पट से तुम्हें पहचान लूंगी और अपना कैमरा तुम पे खास फोकस कर दूंगी। बस वहां पे भी कैमरे को देख के जोर से भौंक के मत करना। तुम ऐसे मत बोलो मुझसे, यू इडियट, यू इडियट, शट अप, यू शट अप, यू फंके, निकाल देंगे वो। अरे बाहर में जाए तुम्हारा ब्यूरो चीफ और बाहर में जाए तुम्हारा चालक, अच्छा सा चालक है मेरे लिए, मैं तुम्हें देख लूंगा। और बाहर में जाओ तुम भी, तुम खड़ा and see you there। अब घर आएगी मेरी जूती, कौन है मेरी यार? लगता है अब कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा। जब लड़की जी भाई सामान फेंका चल रहा है, लगते ताऊ उसका काम चक्कर है वो। मेरा तो माथा तो ये हमरा आज के लिए चुनावी रोड से थोड़ा जा है घर। अब ये कौन आ रहा है? बहन जी निराला नगर में बड़ी गड़बड़ हो गई है। निराला नगर के तो लोग ही निराले हैं, क्या हुआ वो? पानी नहीं आ रहा है। अब पानी नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अरे एक बार
बधाई हो हुजूर। क्या हुआ?
की ताज है दुत्ता जी। अरे हुजूर डेमोक्रेसी का ताज है, मान लीजिए। अरे ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और मोबाइल टावर में अटके। अरे आप पहनाइए उनको, आप पहनाइए आराम से, आराम से। अरे हम कह रहे थे मुक्ता जी को आराम से, मेरी बात सुनो तो ना। ठीक है ठीक है, अब बधाई करो। चलो बधाई करो। इसी बात पर फाइनली ताजमहल का इनॉग्रेशन कर देते हैं। हम कह रहे थे ना कि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है, लेकिन आपकी कोई सुने तब ना, है नहीं तो। Good evening. Hi, I'm Krittika, and thank you for joining us this evening for Taj Mahal ka inauguration. So, last 45 days have been like really hectic for us. We've all had sleepless nights just to put up this play. So I'd like to like now introduce you to the cast. We have first Manoj, Aurangzeb sahab, tashreef laiye. So thank our director Krittika.